हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू आवर चैनल संशय ब्रेनरी। सो इन दिस लेक्चर हम बात करेंगे इंडियन आउल स्पीसीज की, विच हंट्स ड्यूरिंग द डे, द इंडियन आउल जो कि दिन में शिकार करता है, एंड व्हाई इट इज इन न्यूज रिसेंटली, एंड देयर इज इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट्स एक्सटिंक्शन एंड रिवाइवल आल्सो। ठीक है, सो यू कैन सी दैट इंडियाज एंडेंजर्ड फॉरेस्ट ऑल एट बैक टू हंट। So let's start the discussion and let's discuss about this Indian owl species. So अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो there are 230 species of the owls in the world, and जिसमें से कि जो 33 species हैं they are found in India. ठीक है, so world में 230 species हैं and India में कितनी पाई जाती हैं, 33 species of the owls they are found in India. So, अगर हम इसकी बात करें तो आज का लेक्चर है विच इज अबाउट द फॉरेस्ट ओलेट। ठीक है, विच इज एंडेमिक टू इंडिया ओनली, यू कैन फाइंड दिस ओलेट स्पीसीज इन इंडिया ओनली। ठीक है, दैट इज टिपिकली एंडेमिक टू इंडिया। ठीक है, सो ये जो फॉरेस्ट ओलेट है, अर्लियर इट वॉज पुट इन द जीनस एथिनी। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से रिक्लासीफाई किया गया बेस्ड ऑन इट्स डिस्टिंक्ट फीचर्स की वजह से टू द जीनस हेट्रोग्लॉक्स। ठीक है, एंड ये जो फॉरेस्ट ओलेट स्पीसीज है जो कि इंडियन ओलेट स्पीसीज है विच इज एंडेमिक टू इंडिया, इसकी मेन विशेष बात यह है कि इट इज डायर्नल है। ठीक है, जो दूसरी ओलेट स्पीसीज है दे आर नॉक्टर्नल है, मतलब वो रात को शिकार करती हैं। ठीक है, मोस्टली दे आर नॉक्टर्नल है। ठीक है, बोलते हैं कि उल्लू है जो रात को ही जागते रहते हैं, है ना। तो बट ये दिस स्पीसीज जो है, ये फॉरेस्ट ओलेट की ये जो स्पीसीज है, इट इज डायर्नल, मीन्स इट हंट्स ड्यूरिंग द डे, इट हंट्स द लिजर्ड्स बर्ड्स एंड द रोडेंट्स इन द डे लाइट आवर्स। ठीक है, सो इट बिलोंग्स टू द फैमिली स्ट्रिगिडे, जिसको कि दूसरी फैमिली दूसरी और स्पीसीज है, दे आल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली एंड इट आल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली स्ट्रिगिडे। ठीक है, बट जो इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1873 में एंड देन अगेन इन द 1884 में, बट आफ्टर 1884 के बाद ये एक्सटिंक्ट हो गया था, मतलब ऐसा मानेंगे कि इट हैज गॉन एक्सटिंक्ट आफ्टर 1884 एंड अंटिल इट वॉज अगेन रीडिस्कवर्ड इन 1997 में, मतलब लगभग 113 ईयर्स के बाद, लगभग 113 साल के बाद इसको फिर से रीडिस्कवर किया गया था, फाइंड आउट किया गया था बाय डॉक्टर पैमेला रेस्मुसन। यू कैन सी हियर द रीडिस्कवरी ऑफ द फॉरेस्ट ओलेट बाय डॉक्टर पैमेला सी रेस्मुसन। सो शी एक्चुअली आफ्टर 113 ईयर्स के बाद इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1997 में इन इंडिया ओनली। ठीक है, ऑफ दिस ओल स्पीसीज मीन्स ड्यूरिंग 1884 इट वॉज आफ्टर 1884 इट वॉज कंसिडर्ड दैट इट हैज गोन एक्सटिंक्ट, बट इट वॉज फर्दर रीडिस्कवर्ड बाय द डॉक्टर पैमेला सी रेस्मुसन। ठीक है, इन इंडियन फॉरेस्ट ओनली। ठीक है, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जो ये हमारे इंडिया की बात करें तो डॉक्टर प्राची मेहता हैं, हु इज करंटली द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च हैं ऑफ WRCS, WRCS मीन्स वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो इसकी ये जो है ये डायरेक्टर हैं। तो ये बताती हैं कि इसके स्टोरी के बारे में बताती हैं कि इट वॉज ये फॉरेस्ट ओलेट है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1872 में। 1872 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, जब मतलब ब्रिटिश इंडिया का टाइम था उस टाइम, तो आयरिश ऑफिसर थे एक मिस्टर फ्रांसिस रॉबर्ट ब्लेविट। ठीक है, FR ब्लेविट। ठीक है, उन्होंने इसको देखा, मतलब ही सा दिस डिफरेंट लुकिंग ओल नियर द फुलझार इन ईस्टर्न MP, जो कि अभी जो है ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है। तो इस जगह पे इन्होंने इस ओल स्पीसीज को देखा एंड ही वॉज वेरी कंफ्यूज बाय मीन फैसिनेटेड बाय दिस डिस्टिंक्ट फीचर, इट्स की डिस्टिंक्ट फीचर की वजह से। तो उन्होंने क्या किया कि इसका जो स्पेसिमन है, इन्होंने इसका स्पेसिमन जो है किसको भेजा, मिस्टर AO ह्यूमे को। ठीक है, ह्यूमे को भेजा इन्होंने, जो कि ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट थे उस टाइम, एंड ही वाज वर्किंग इन द एज ए सिविल सर्विस ऑफिसर इन इंडिया उस टाइम में, ब्रिटिश इंडिया की बात है। तो इन्होंने देखा, तो जब ये बात कर रहे थे तो जब ह्यूमे ने इसको स्टडी किया, मतलब ठीक है, तो ही फाउंड दैट जब इन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ह्यूमे ने कि ये टोटली डिस्टिंक्ट स्पीसीज है। ठीक है, एंड ही नेम्ड इट आफ्टर द ब्लेविट। ठीक है, तो यू कैन सी दैट इट्स साइंटिफिक नेम इज हेट्रोग्लॉक्स ब्लेविटी। ठीक है, तो ब्लेविटी स्पीसीज का नाम है, तो जो कि किसके नाम पे रखा गया, इन्होंने ब्लेविट के नाम पे ही रखा था। ठीक है, तो एंड ह्यूमे इन 1873 में इन्होंने ये अपना रिजल्ट्स जो है पब्लिश किए थे। ठीक है, तो इन्होंने ही नेम द स्पीसीज आफ्टर द ब्लेविट एंड बट कुछ रिसेंट लिटरेचर जो है ये वो ये भी बताते हैं कि एक्चुअली इट वॉज नॉट FR ब्लेविट, बट ये उनके यंगर ब्रदर थे मिस्टर विलियम ब्लेविट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। बट हमें क्या है, बट जो बट एवर इज दिस दिस इज ब्लेविट, एक्चुअली ब्लेविट थे, तो ब्लेविट ही, चाहे वो ब्रदर थे या यंगर ब्रदर थे या बड़े ब्रदर थे। ठीक है, सो हाउ एवर फॉर अस इट इज स्टिल ब्लेविट्स आउल। ठीक है,
इन 1997 में जब इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया था, डॉक्टर पामेला रेस्मुसन ने, जैसे मैंने बताया कि शी इज एन फेमस अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट है. ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पर्सन या पीपल हु स्टडी द वर्ड्स, हु हैव द एक्सपर्टाइज ऑन द वर्ड, तो उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली वो इस स्पीसीज को 1997 की बात है, तो वो इसको स्टडी कर रहे थे. इसका एक स्पेसिमेन उनके उस म्यूजियम में आया था, अमेरिका में ही थी तब वो, मतलब ये इसकी जो प्रिजर्व स्किन थी उसको स्टडी कर रही थी, इस फॉरेस्ट ओलेट की स्किन को. एंड तब उन्होंने पता लगा कि इट इज वेरी डिफरेंट एक्चुअली इन अपीयरेंस, एंड कुछ तो मतलब मिस्टेकन है, मतलब सम इलस्ट्रेशन जो इंडियन वर्ड बुक्स में दे आर सम मिस्टेकन है, कुछ मिस्टेक है उसमें, एंड रॉन्ग पिक्चर उसकी जो है वो डिपिक्ट की गई है. ठीक है, तो जब ये स्टडी कर रही थी तो उन्होंने पाया कि देयर इज सो मच फस एंड फ्रॉड ओवर दिस फॉरेस्ट ओलेट. ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने अपनी टीम के साथ इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल कैरी ए सर्वे फॉर दिस वर्ड इन द हिस्टोरिकल लोकेशंस इन इंडिया, जहां पे ये हिस्टोरिकली पाया गया. ठीक है, क्योंकि 1884 के बाद तो ये एक्सटिंक्ट हो गया था ऐसा माना जाता है, बट 1997 में जब वो स्पेसिमेन स्टडी कर रही थी तो इन्होंने ये सोचा कि मैं आई विल गो फॉर मैं खुद सर्वे पे जाऊंगी. तो ये अपनी टीम के साथ इंडिया में उस टाइम सर्वे पे आती हैं, मतलब क्योंकि हिस्टोरिकल फॉरेस्ट को प्लेसेस को विजिट करती हैं, जैसे कि जब वो सर्वे करती हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ में जाती हैं उस टाइम, जहां पे वो देखती हैं कि जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द क्रॉप लैंड. ठीक है, एंड वहां पे तो उनको कोई स्पीसीज नहीं मिलती है, बट नवंबर मंथ की बात है 1997 में ही दे स्टार्ट सर्वे इन महाराष्ट्र में, सर्वे स्टार्ट करती हैं इन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो वहां पे उनको एक टू फॉरेस्ट ओलेट की स्पीसीज मिलती हैं. ठीक है, सो वहां पे महाराष्ट्र के भ्रष्ट में तो वो रिकॉग्नाइज कर देती हैं, रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि दिस इज द फॉरेस्ट ओलेट ही है, तो वहां पे उनको दो फॉरेस्ट ओलेट मिलते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द टाइम इज वी कैन से दैट फॉरेस्ट ओलेट इट मेड इट्स अपीयरेंस रीअपीयरेंस आफ्टर 113 ईयर्स, मतलब 113 साल के बाद इतने लंबे पीरियड के बाद इट मेड इट्स अपीयरेंस अगेन इन 1997. तो महाराष्ट्र के वहां पे इसको रीडिस्कवर किया जाता है एट 1997 में. ठीक है, अगर इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, ठीक है, तो इसकी बात करें तो जो फॉरेस्ट ओलेट है, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज टिपिकली एंडेमिक टू इंडिया, मीन्स इट इज फाउंड इन इंडिया ओनली, वी कांट फाइंड दिस स्पीसीज एनीवेयर आउटसाइड द इंडिया. ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट ओलेट है, तो अगर इसके साथ साथ दूसरी और 17 वर्ड की स्पीसीज हैं. ठीक है, सो यू कैन सी दैट दिस स्मॉल साइज ओलेट इट हैज बीन प्लेस्ड अमंग द टॉप 17 वर्ड्स इन द वर्ल्ड दैट आर इन एंडेंजर्ड कैटेगरी. ठीक है, सो ओइंग टू इट्स स्मॉल पॉपुलेशन की वजह से और जो इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसको जो है इस स्पीसीज को IUCN की कैटेगरी में किस कैटेगरी में रखा गया है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है, एज पर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर. ठीक है, तो करंटली ये माना जाता है कि जिस उस टाइम ये 2013 का पेपर था जब डॉक्टर पीसी रेस्मुसन ने उन्होंने काम किया था, कि जैसे कि उन्होंने रिक्लासीफाई किया था इसको कि इट इज इन द सेपरेट जीनस. ठीक है, हिट्रोग्लॉक्स. ठीक है, एंड ब्लाउटी इट इज ए मोनोटिपिक जीनस है, मोनोटिपिक मतलब जीनस इन विच ओनली वन स्पीसीज इज फाउंड. ठीक है, there is sole species, this Blavity is the sole species which belong to this heterogloss region, heterogloss genus. ठीक है, but recently क्या होता है कि recently जो जैसे कि मैं बात कर रहा था डॉक्टर प्राची मेहता के बारे में, ठीक है, तो which is an Indian ornithologist and who is the associate director of the WRCS. ठीक है, तो जो प्राची मेहता है, ठीक है, तो ये पेपर पब्लिश करती हैं, एंड व्हाइल कंपेयरिंग द दिस थ्री डिफरेंट रिलेटिव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट ओलेट, यू कैन सी दैट दे लुक्स इन सिमिलर इन अपीयरेंस जाइब फॉरेस्ट ओलेट है, विच इज हेटरोग्लॉस ब्लेविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, दे इट लुक सिमिलर टू स्पॉटेड ओलेट विच इज एथेने ब्रेमा एंड जंगल ओलेट विच इज ग्लोकिडियम रेडिएटम. ठीक है, तो एक्चुअली जो पीसी रेस्मुसन है उन्होंने ये फाइंड आउट किया, उन्होंने बोला था कि जो ये हमारा जो ये फॉरेस्ट ओलेट है ये जो है कि इट इज क्लोज टू दिस ग्लोकिडियम रेडिएटम, मतलब इसके क्लोज है, मतलब इट इज फाउंड इन इट इज रिलेटेड टू दिस जीनस एक्चुअली. ठीक है, तो अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यू कैन सी दैट इट इज फाउंड इन महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया में मेनली, महाराष्ट्र MP छत्तीसगढ़ है ना, गुजरात के कुछ पार्ट्स में. ठीक है, इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ दिस एरिया लोकेशन दिस स्टेट्स यू कैन फाइंड दिस फॉरेस्ट ओलेट स्पीसीज. ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो उन्होंने इसको जो रेस्मुसन है उन्होंने तो इसको ग्लेकेडियम जीनस में रखा था, मीन्स ग्लेकेडियम क्लेड के पास रखा था, बट जो पीसी जो प्राची मेहता है उन्होंने अभी जैसे मैं बता रहा था कि पेपर पब्लिश किया, तो उन्होंने स्टडी किया, तो दे फाउंड दैट दिस की जो ये
जो हमारा हिटरोग्लोस ब्लेबिटी है, फॉरेस्ट ऑवलेट है, इट इज नेस्टेड इन द एथेनी क्लेड में. यू कैन सी दैट एथेनी नॉक्टुआ, एथेनी कॉर्निकुलेरिया, ठीक है, एथेनी एथेनी. सो यू कैन सी दिस मीन्स हिटरोग्लोस ब्लेबिटी है जो फॉरेस्ट ऑवलेट है, इट इज नेस्टेड इन बिटवीन द एथेनी क्लेड के बीच में है, ठीक है. सो यू कैन सी दैट जो बाई स्टडिंग द माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियर एंड डाटा सेट्स को जब स्टडी किया तो दे फाउंड दैट हिटरोग्लोस ब्लेबिटी इट इज नेस्टेड विद इन द एथेनी क्लेड, ठीक है. सो वी कैन से दैट दे रिजेक्टेड द हाइपोथेसिस दैट दिस स्पीसीज इज नेस्टेड विद इन द ग्लोकिडियम क्लेड में. और दूसरा बात है कि मोनोटिपिक किया है अभी रिसेंटली, ठीक है. तो दे प्रपोज दैट की जो हिटरोग्लोक्स है इट इज सिनोनिमस है ऑफ एथेनी जीनस का ही, ठीक है. तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इट इज ए मोनोटिपिक जीनस है, मतलब तो इट इज सिनोनिम ऑफ एथेनी है. उन्होंने अभी ये प्रपोज किया है कि एंड दे आइडेंटिफाइड इट हिटरोग्लोक्स ब्लेबिटी एज द एथेनी ब्लेबिटी, ठीक है. तो इट इज फर्दर यू कैन से लाइक दैट इट इज सिनोनिमस टू दिस, तो यू कैन राइट इट्स नेम लाइक दिस एथेनी हिटरोग्लोक्स ब्लेबिटी, ठीक है. ऑल्दो दे फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर नीडेड फॉर फर्दर कन्फर्मेशन, ओके, एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग दिस वर्क. सो व्हाई इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, तो यू कैन सी द हिंदू ने इसको कवर किया, रिटर्न ऑफ द फॉरेस्ट ऑलेट. तो अभी एक्चुअली क्या हुआ कि अभी रिसेंटली इन्होंने फिर से इसको मतलब देखा है, जो डॉक्टर प्राज मेहता है उन्होंने फिर से दे फाउंड दिस आर द फर्स्ट फॉरेस्ट ऑलेट ऑलमोस्ट ए डिकेड आफ्टर इट हैड बीन डिस्कवर्ड अगेन, ठीक है. सो लगभग एक डिकेड के बाद इन फिर से डिस्कवर किया था जैसे 1997 में, ठीक है. तो लगभग इन्होंने फिर से अभी इसको अपने में मेलघाट टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइड ऑफ मेलघाट दिस फॉरेस्ट ऑलेट, ठीक है. तो अभी रिसेंटली इन्होंने फिर से इसको उन्होंने इसको देखा था दिस फॉरेस्ट ऑलेट को, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज दैट रिटर्न ऑफ द फॉरेस्ट ऑलेट, ठीक है, द रिवाइवल ऑफ द फॉरेस्ट ऑलेट, ठीक है. तो इसकी जो बात करते हैं तो जैसे कि स्पॉटेड ऑलेट की तरह ही दिखता है, बट इसके में डिफरेंट ये है कि जो इसकी बैली है दैट इज वाइट है और विच शाइन्स इन द सनलाइट में, ठीक है. सो यू कैन सी दैट द अनकैनी रिजेंबलेंस टू द फॉरेस्ट ऑलेट हैज द अनकैनी रिजेंबलेंस टू मोर कॉमन स्पॉटेड ऑलेट, ठीक है. एंड वट इट्स वाइट वैली, जो फॉरेस्ट ऑलेट है इट्स वाइट वैली शाइनिंग इन द ब्राइट मॉर्निंग सन इमीडिएटली सेट्स द वर्ल्ड अपार्ट, मीन्स जो इसकी डिस्टिंक्ट फीचर है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर ऑल स्पीसीज. एंड दूसरी बात है कि इट हंट्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है. सो अगर हम इसकी बात करें, जनरल बात करें तो ऑल स्पीसीज की, तो हाउ बेनिफिशियल दे आर फॉर अस एक्चुअली, ठीक है. तो यू कैन सी आप देख सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने में इनका बहुत योगदान है, ठीक है, जो ऑल्स होते हैं, ठीक है. यू कैन सी दे प्रोवाइड एन इमेंसली यूजफुल इकोलॉजिकल सर्विस बाय फीडिंग ऑन द रोडेंट्स, ठीक है. मतलब जो एग्रीकल्चर फील्ड में भी, ठीक है, जितने भी रोडेंट होते हैं, यू कैन सी दैट दे जो फीड करते हैं रोडेंट्स के ऊपर, ठीक है. तो वन ऑल जो है ऐसा माना जाता है कि वन ऑल कैन फीड ऑन अबाउट 1000 माइस इन ए ईयर एंड विच वुड अदरवाइज डैमेज अबाउट 1/3 ऑफ द ग्रेन इन ए क्रॉप फील्ड, ठीक है. तो यू कैन सी दैट हाउ दे आर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. मतलब एक ओल जो है वो एक साल में 1000 चूहे खा जाता है, ठीक है, और 1000 रोडेंट्स खा जाते हैं. तो अगर वो नहीं कहे तो दिस मच ऑफ रोडेंट्स जो है दे कैन कॉज ए ह्यूज क्रॉप यील्ड लॉस, ठीक है. और जो दूसरे रीजन है जैसे कि आंध्र प्रदेश और साउथ के ज्यादा सदर्न स्टेट्स में तो क्या किया जाता है कि जो फार्मर है जो पोल पे जो पोल इंस्टॉल कर देते हैं अपनी फील्ड्स के बीच में जहाँ पे वो ओल्स जो है वो बैठते हैं, मतलब एंड दे हंट आउट द रोडेंट्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड में, ठीक है. और ओल जो है अगर हम रिलीजियस पर्पस की मिथोलॉजिकली बात करें तो ओल जो है दैट इज कंसिडर्ड एज द व्हीकल ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है. एंड इन सम एरिया जो फार्मर तो ये भी मानते हैं कि बाय वर्शिपिंग द ओल्स दैट विल ब्रिंग द वेल्थ इन देयर लाइफ, ठीक है. ऑल्दो देयर आर मेनी अदर थ्योरीज वेयर द ओल्स आर कंसिडर्ड बैड एंड ऑल्दो देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ द डिफरेंट लोकेलिटीज एंड डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है. So with this, I would like to end today's lecture and I hope you might find some interesting things regarding this Indian owl which hunts during the daytime. And if you like the lecture, please share karein, subscribe karein, like karein. And I would say thank you. With this, share, stay happy, stay blessed and stay safe. Thank you.